हेलो एंड वेलकम दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे एफवी का बुक 4 मॉड्यूल 4 डे 4। ठीक है, टॉपिक का नाम है दोस्तों पावर ऑफ हैबिट्स। ठीक है, तो दोस्तों पहले हम लोग जानते हैं, रिकैप करते हैं। तो रिकैप करेंगे जो हमारा प्रीवियस टॉपिक था, मैं उसको रिकैप कर लेता हूँ दोस्तों। तो देखेंगे तो प्रीवियस टॉपिक में हम मॉड्यूल 4 डे 3 में हम लोग पढ़े थे माइंड सेट मैटर्स। इस टॉपिक में हम लोग ने पढ़ा था रीडिंग स्किल के बारे में, पढ़ा था रोबस्ट रीडिंग हैबिट, मतलब रोबस्ट मतलब होता है स्ट्रांग रीडिंग प्लस, मतलब स्ट्रांग रीडिंग आपको प्लान बनाना है, कोरिलेट देयर लर्निंग ऑफ मुख से मतलब रिलेट करना है बिग फोर का, जो बिग फोर का आपने वीडियो देखा है, और कम्युनिकेट इफेक्टिवली बाय मेंबर पेयर से आर्टिकल से आप रीडिंग स्किल बढ़ा सकते थे। तो ये चीज़ें हम लोग पढ़े थे और एक वीडियो देखा था, इस वीडियो में हम लोग ने मतलब कि रीडिंग स्किल के कुछ टिप्स पाए थे। ठीक है, तो यही था हमारा रिकैप। हम चलिए वोकैब पर बात कर लेते हैं तो दोस्तों जो हमारा वोकैब है आज की क्लास के, जो वोकैब है मॉड्यूल 4 डे 4 का, जो वोकैब है परसिवियरेंस मतलब होता है आपका कंटिन्यूड एफर्ट्स टू अचीव समथिंग डिस्पाइट डिफिकल्ट्स, मतलब ऐसा चीज़ें जैसा मतलब कि आपको बता दें जैसे कि कोई चीज़ को पाने के लिए आप कंटिन्यू एफर्ट कर रहे हैं, वही होता है परसिवियरेंस। ठीक है, तो आपका परसिवियरेंस होता है कंटिन्यू एफर्ट्स टू अचीव समथिंग डिस्पाइट गोल्स। ठीक है, मतलब ऐसे आप रीडिंग स्किल को बढ़ाने के लिए आप कुछ कंटिन्यू एफर्ट लगा रहे हैं, आप वन पेज डेली लिख रहे हैं, आप मतलब कि चीज़ों को आप कर रहे हैं, तो ठीक है, तो वही होता है परसिवियरेंस। हमारा दूसरा वोकैब है क्रिटिक क्यू। ठीक है, ये मतलब होता है ए डिटेल्ड एनालिसिस, मतलब किसी चीज़ का डिटेल में एनालिसिस करना होता है क्रिटिक क्यू। ठीक है, तो परसिवियरेंस और क्रिटिक क्यू हमारा आज की क्लास का वोकैब है। ठीक है दोस्तों, हम चलते हैं लेसन ऑब्जेक्टिव पर। दोस्तों भाई आप लोग थोड़ा सा सपोर्ट कर दीजिए, भाई आप लोगों के लिए इतना मेहनत कर रहे हैं आप, मतलब कि आप जो कहते हैं उसका वीडियो दे रहे हैं, और उसके बाद फिर टेलीग्राम पे भी एक्टिव रहते हैं, मैसेज कर जो करते हैं उसका रिप्लाई दे रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं, क्यूज का सॉल्व करा रहे हैं, तो आप जो भी कर रहे हैं मैं उस सब चीज़ कर रहा हूँ। भाई सब्सक्राइब कर दीजिए, भाई आपका सपोर्ट बहुत ज़रूरी है भाई, क्योंकि कई लोग कहते हैं कि सर आपका वॉइस बहुत धीमे, वॉइस नहीं आता है आपका, तो भाई जब सपोर्ट मिलेगा तभी मेरा मुझे मतलब कुछ मिल पाएगा, तो मैं वहीं से मैं मतलब माइक खरीदूंगा, बोया का माइक खरीदूंगा, उससे वॉइस तेज होता है सुना है मैंने, तो वही मैं एक ईयरफोन से वीडियो बना रहा हूँ, तो वो वीडियो धीमे रहेगा, भाई आपका सपोर्ट मिलेगा तभी कुछ आगे हो पाएगा। ठीक है, देखिए दिया है टाइनी लेसन ऑब्जेक्टिव बात कर लेते हैं, लेसन ऑब्जेक्टिव मतलब कुछ नहीं होता, इस टॉपिक में क्या है इसके बारे में बताया गया है। देखिए टाइनी रीडिंग गोल्स मतलब होता है कि जैसे आपको मतलब छोटा छोटा गोल्स बनाना है जो मतलब कि आपके रीडिंग स्किल्स के लिए बढ़िया रहेगा, जैसे आप वन पेज डेली लिखिए आप, और आप जैसे कुछ मतलब कुछ भी आप कर रहे हैं, मतलब जैसे स्पीकिंग मतलब कि पढ़ रहे हैं तो आप लाउडली पढ़िए और कुछ चीज़ों को ध्यान दीजिए, तो मतलब जो आप इंटरनेट यूज करते हैं इंटरनेट से पहले आप जाके मतलब पहले रीडिंग स्किल पढ़िए, उसके बाद फिर अगर आप कॉफ़ी पी रहे हैं तो उसके साथ भी मतलब एक बुक लीजिए, नोबेल लीजिए, कुछ भी लीजिए, उसे रीडिंग स्किल को बढ़ाइए, तो ये सब चीज़ें होता है मतलब कि छोटे छोटे गोल्स आप बढ़ा सकते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ परसिवियरेंस टू अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ परसिवियरेंस लिंक टू द क्वालिटी ऑफ लाइफ, मतलब आपको आपको समझना है मतलब इंपॉर्टेंस आपका आपका क्या, मतलब परसिवियरेंस का इंपॉर्टेंस क्या है, मतलब कि जो परसिवियरेंस मतलब होता है जैसे कि मतलब स्टाफ हर जो लगाना हो वही परसिवियरेंस होता है हमारा, तो उसमें हमारा मतलब को समझना है परसिवियरेंस का इंपॉर्टेंट क्या है। और वीक टू स्पेंड द लर्निंग फ्रॉम वीक टू, मतलब कि वीक टू की जो आपने वीडियो देखी है उसको मतलब आप मुख से रिलेट करिए। ठीक है, रिव्यू प्रोग्रेस एंड लैंग्वेज मिनिमल पेयर, मतलब आप मिनिमल पेयर को ध्यान दीजिए, कॉमन ग्रामेटिकल एरर को ध्यान दीजिए, उससे आप एक अच्छा से मतलब कम्युनिकेट कर सकते हैं। ठीक है, और आपका गलती कम होगा। तो ये हमारा था लेसन ऑब्जेक्टिव दोस्तों, तो आज की क्लास में मैं आपको बता दे रहा हूँ दोस्तों आपको एक डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगा, उस आपको वीडियो को देख लीजिएगा, उसमें आपका मतलब कि मैं बता रहा हूँ जो उसमें वीडियो जो है उसमें आपको एक वीडियो मतलब एक बंदा है, एक स्पीकर है, उसने 10 टिप्स बताए हैं मतलब कि रीडिंग स्किल्स को एनहेंस करने के लिए, बढ़ाने के लिए, तो उसको 10 टिप्स को फॉलो करके आप रीडिंग स्किल को बढ़ा सकते हैं, तो उसमें अलग अलग रीडिंग स्किल का मतलब बताया गया है, तो आप जाएंगे तो आप समझ पाएंगे अच्छी तरीके से, ऐसा करता हूँ, तो आप उस वीडियो को जाकर देख लीजिए डिस्क्रिप्शन में, अच्छा पार्टिसिपेट कर पाएंगे अभी से देख लेंगे तो। और मैं आपको बता दूँ आप एस ए बी की बात नहीं कर लें दोस्तों, ये तो ये समराइज द क्रिटिक्यूट योर प्लान्स एंड सिक्स थिंकिंग हर्ट्स, मतलब आपको मतलब कि जैसे कि जो एस सी बी में आपको लिखना रहेगा, जो आप 100 वर्ड्स लिखना रहेगी जो आपने मतलब सीखा है उस तरह का, उसको 100 वर्ड लिख दीजिएगा, मतलब कि जैसे सिक्स थिंकिंग हर्ट्स से आप उसको रिलेट करके, जैसे सिक्स थिंकिंग हर्ट्स मतलब जो होता है आपका ब्लू हर्ट्स, मतलब कि सभी हर्ट्स जो होते हैं उसको आप रिलेट करके एक मतलब एक
सौ वर्ड्स आपको बनाना है, उसको आप लिख दीजिएगा वहाँ पर क्लास में, फर्स्ट लेटर बताएंगे कैसे आपको लिखना है, ठीक है। तो आज का मतलब रिकैप, आज का यह मतलब वोकैब था, आशा करते हैं कि यूज करेंगे आप लोग, और हमारा रीडिंग ये सब तो हमारा था, ठीक है। तो ये हो गया, और हम बात कर लें एसएवी की दोस्तों, एसएवी की क्यूज की, तो एसएवी की क्यूज मैं करा दे रहा हूँ, आप लोग नहीं तो कहेंगे वीडियो बना दीजिए सर। तो दोस्तों ऐसे भी देखेंगे आपका 100 वर्ड, मैंने बताया कि आपको मतलब सिक्स थिंकिंग हैट्स का यूज करके मतलब कि 100 आपको रीडिंग स्किल का प्लान बनाना है, आप कैसे मतलब कि आप इंप्रूव करेंगे उसको प्लान बना के आप लिख दीजिएगा, ये मैम आपको फर्स्ट लेटर आपके क्लास में बताएंगे, तो उसके लिए आप चिंता मत करिएगा। और देखेंगे आप क्यूज में बता देता हूँ, क्यूज में करा देता हूँ, बच्चे मतलब कहते हैं तो मैं इसी में आज करा दे रहा हूँ, देखिएगा। तो हम आई मेट ए प्रेटी, तो प्रेटी देखेंगे, प्रेटी का साउंड देखेंगे दोस्तों, साउंड से मैटर करता है, तो साउंड साउंड जो है इसका कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट के पहले हम ए का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो पहले हमारा हो जाएगा ए, यहाँ पर ए लिख दीजिएगा, और दूसरा देखेंगे इंटरेस्टिंग, इंटरेस्टिंग जो है हमारा वाउल है, वाउल के सामने हम क्या करते हैं एन का प्रयोग करते हैं, तो हमारा यहाँ पर हो जाएगा एन, दूसरे में हो जाएगा हमारा एन, ठीक है, एन लिख लीजिएगा दोस्तों। और तीसरे में देखेंगे, तीसरे में हमारा हो जाएगा द चाइल्ड हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पर द चाइल्ड हो जाएगा, तीसरे में हमारा द चाइल्ड हो जाएगा। चौथा में हमारा देखेंगे दोस्तों, चौथा में सी इज द फाइनेस्ट, यहाँ पर क्यों फाइनेस्ट द क्यों हुआ, क्योंकि ये जो हमारा फाइनेस्ट जो है ये सुपर लेटर डिग्री, सुपर डिग्री के सामने हम द का यूज करते हैं, ठीक है। सी इज द फाइनेस्ट एक्टर आई हैव इवन आई हैव इवर सीन, ठीक है। तो यहाँ पर द का प्रयोग आप कर लीजिएगा, आशा करता हूँ। कैन यू सी कैट ओवर देयर, तो कैन यू सी कैट ओवर देयर, तो यहाँ पर जो कैट है, कैट के सामने हम क्या यूज करेंगे दोस्तों, आपको बता देता हूँ, यहाँ पर ए और द दोनों यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये द आप दोनों यूज कर सकते हैं आपके अकॉर्डिंग, जो आपको अच्छा लगे, या आप दो ये द दोनों यूज कर सकते हैं, ठीक है। एक इसलिए यूज करेंगे कि ये जो जो इसका वर्ड का साउंड है, साउंड से मैटर करता है, साउंड हमारा जो है कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट से पहले हम क्या यूज करते हैं, ए यूज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ए हो जाएगा, और द भी यूज करते हैं क्योंकि कैट है, ये जो नाम जो नेम होते हैं एनिमल नेम, पहले हम द प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। और सी वॉन्ट्स टू बी आर्टिस्ट, आर्टिस्ट देखेंगे इसका वर्ड का साउंड, ए जो है हमारा वर्ड का जो साउंड दे रहा, ए ई आई ओ के पहले हम एन का प्रयोग करते हैं दोस्तों, एन यहाँ पर लगा देंगे। सातों देखेंगे, सातों देखेंगे दोस्तों, सातों हमारा हो जाएगा ए स्पाइडर, ठीक है, ए स्पाइडर हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा पुअर, यहाँ पर हो जाएगा द पुअर, ठीक है। नवा देख लेंगे दोस्तों, नवा में हमारा हो जाएगा ए, ठीक है, नवा में हमारा हो जाएगा ए मोल, ठीक है, ए मोल ऑन, तो आप ऐसे कर लेंगे आशा करता हूँ। दसों में हम देखेंगे द ट्रेन हो जाएगा, द ट्रेन अराइव्स 13, ठीक है, तो यहाँ पर द लिख दीजिएगा, तो द इसमें होगा द, ठीक है। आगे देखेंगे दोस्तों, आगे कुछ दिया है क्या, आगे भी एक्सरसाइज दिए हैं, एडवर्ब की एक्सरसाइज दिए हैं, एडवर्ब की एक्सरसाइज मैं आशा करता हूँ आप कर लेंगे, ठीक है। आई विल बी दिया है, आई विल बी देयर 6 o'clock, आई विल बी देयर 6 o'clock, यहाँ पर हो जाएगा शार्प, शार्प लगा लेंगे आप, और देखेंगे शार्प हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा यू है यू शुड नॉट हैव बी स्पोकन योर मदर, सो शार्पली हो जाएगा यहाँ पर। अगला देखेंगे आई आई राइटली, यहाँ पर राइटली होगा क्योंकि देखो जो एडवर्ब होता है उसमें एलवाई जुड़ा रहता है, तो समान से बात है जो एडवर्ब, इसलिए एडवर्ब की बातें किया तो वहाँ पर एलवाई लगेगा। देखेंगे चौथा तो हमारा राइटली हो जाएगा, पाँचवा देखेंगे दोस्तों, पाँचवा हमारा हो जाएगा, पाँचवा देखेंगे हमारा हो जाएगा साउंडली, ठीक है, साउंडली। सातवा हमारा देखेंगे यहाँ पर हो जाएगा राइट, ठीक है, वी स्टार्टेड राइट आफ्टर ब्रेकफास्ट, ठीक है, इसमें राइट से हो जाएगा राइट। अगर सातवा देख लेंगे, सातवा हो जाएगा हमारा रॉन्ग, ठीक है, सातवा हमारा रॉन्ग हो जाएगा, मतलब कि हमारा बी वाला सही हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा चैनल को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और भी आपको वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स से कमेंट कर दीजिएगा, यहाँ पर रहा होगा, ठीक है दोस्तों। तो और भी दिया है, अभी देख रहे हैं 9 दिया है, माई फ्रेंड्स आर, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका मोस्टली, ठीक है, मोस्टली आप लगा देंगे, ठीक है, मोस्टली लगा देंगे, और यहाँ पर मोस्टली, ठीक है, मोस्टली लगा दीजिएगा दोस्तों, और यहाँ पर हो जाएगा मोस्ट, ठीक है, द मोस्ट अनफॉरगेटेबल डे इन लाइफ, दिस इज द मोस्ट अनफॉरगेट फॉरगेटेबल डे फॉर माई लाइफ, ठीक है। तो दोस्तों आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा, वीडियो अच्छा लगा चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब करिए, अपने दो अपने भाई का हेल्प कर दीजिए, अपने भाई का सपोर्ट कर दीजिए, और आपको किसी भी चीज़ का वीडियो चाहिए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। टेलीग्राम चीज़ें मिल रहा है, आप टेलीग्राम से जाकर जुड़ सकते हैं, इंस्टाग्राम पर जुड़ के हमसे बातें कर सकते हैं, कोई चीज़ चाहिए और आप वो आपको कोई भी दिक्कत हो तो आपका भाई आपके लिए सपोर्ट के लिए तैयार है, लेकिन आप भाई मेरा भी सपोर्ट कर दीजिए क्योंकि मुझे यार माइक चाहिए, माइक के लिए मुझे पैसा नहीं है, ठीक है, तो आपके सपोर्ट से मिल सकता है क्योंकि मेरे 1000 सब्सक्राइबर होंगे तो मैं कुछ अर्न कर सकता हूँ।